हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश, तूफान व ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर शुक्रवार को हिमाचल उद्यान विभाग में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारी, हिमाचल प्रदेश किसान सभा सहित मौसम विज्ञानी व अन्य स्टेक होल्डर मौजूद रहे। बैठक में बारिश, तूफान, ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा की गई, तो साथ ही किसानों बागवानों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई। किसान सभा से जुड़े वामपंथी विधायक राकेश सिंगा ने कहा कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि और तूफान से शिमला, कुल्लू और अन्य जिलों के बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें पलम, खुमानी और सेब के पौधों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बागवानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। बीमा कंपनियां भी बैठक में मौजूद रही, तो जिन बागवानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है उनको जल्द मुआवजा दिया जाए ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में, खास तौर पर जो शिमला ज़िला है, कुल्लू ज़िला है, इसमें पिछले दिनों में बहुत तेज़ रफ्तार के तूफान आए हैं, हवाएं चली हैं और अलग अलग किस्म की खेती जो किसान करता है, चाहे वो सेब की करे, बादाम की करे, प्लम की करे, बहुत भारी नुकसान किया। और आप इस बात को भी जानते हैं कि 2009 का जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत आम तौर पर किसान को तेज़ रफ्तार की हवाओं का कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन आप इस हकीकत को भी जानते हैं कि कई वर्षों से, जब से ये इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, इक्का दुक्का को इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता होगा, लेकिन अधिकतर किसान को मिलता नहीं। आज हम आए हैं इस बात को यहाँ पर विभाग के सामने रखने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी भी उपलब्ध है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो, वो भी मौजूद होगा, हॉर्टिकल्चर विभाग के लोग भी मौजूद होंगे। हम दो टुक शब्दों में कहना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।